भी उनके कपड़े फाड़े। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया बीजेपी अपनी चला दे। बातम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्जे घूम फिर लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, मत सोचना। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के लिए हमें 9000 से अधिक सुझाव आए, 9000 से अधिक सुझाव आए। सब सुझाव का अपना महत्व है, सब सुझाव मेरे लिए कीमती सुना सुझाव थे। और मुझे रोज पूरे प्रदेश से वचन पत्र के लिए लोग मिलते थे या मुझे व्हाट्सएप और ईमेल भेजते थे। आप सोचिए, 9000 आए। ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों ने मुझे पोस्ट कार्ड तक भेजे अपने सुझाव देते हुए। और कहीं मैं दौरे में जाऊं तो माचिस की डिब्बी में रखकर एक छोटी पुड़िया बनाकर अपना सुझाव भी देते थे। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। मैं प्रदेश के सभी समाजों के संगठन, व्यवसाय संगठन, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठन जो मुझे मिले, संगठनों ने अपनी तरफ से भी अपने सुझाव दिए, मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। हमारे वचन पत्र समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक साल से लगे रहे। वचन पत्र समिति जिसके हमारे राजेंद्र सिंह जी, बातम जी थे, बहुत सारे सब बैठे हैं यहाँ मेरे पीछे, इन्होंने एक साल निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं, को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सब शासकीय वर्ग मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये कोई सहमत नहीं था। जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए,
कहते कैसे होगा, ये कागज लाओ वो कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल हो हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। यह आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। यह हमें समझना है, अंतर तो हो गया पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हुई, वो तो हमने पहले करी थी तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचन है उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र, 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से, हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है, हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिले जितने में उनका घर भी चले और दो पैसे भी बचे, हमारे किराने की दुकान गांव गांव में भी चले। अगर किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी, हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे, और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें, ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होगा। ये नौटंकी वाले कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आता, मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश में, हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा में। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या है,
सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे, 5 रोजगार बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है, लोगों को मकान बेच देना पड़ता है इस जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे, इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए का, जब मैं 1,000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार नहीं गई। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1,200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि आईपीएल टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था जब मैं केंद्र मंत्री था कि मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे प्रदेशों को मेट्रो की मदद करता हूं, मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूं, मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनको उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूं, उद्घाटन कर रहा हूं मेट्रो का और हमारे यहां तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो ये जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत कर ली। आप सब गवाह हैं, मैं इंदौर गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारे शान हो। तो हमारी आईपीएल टीम हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम भी हो, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको इतने पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना है, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे, जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार,
शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। मैं अंत में आप सब पत्रकारों को भी वचन देना चाहता हूं कि आप सबसे बैठ के हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे। आप सबसे बैठ के, ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग बनाएंगे। हम आप सबके साथ बैठ के ये करेंगे, पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके कंधों पर कैमरा लेके मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग की भी मेहनत का पूरा फल मिले, ये मेरा उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आपको संबोधित करें। सम्माननीय कमलनाथ जी, सम्माननीय जिन्होंने वचन पत्र में काफी मेहनत की है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी तथा बाथम जी, सम्माननीय मंच, सम्माननीय सदन, कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं, दोनों में फर्क है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, किसान और मजदूर, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रदेशों तक के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा पूरा इनको मिलना चाहिए। आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मध्य प्रदेश की आगामी